नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो देशों के 5 दिन के दौरे की शुरुआत इटली से हो रही है। आज पीएम मोदी G20 देशों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक 20 देशों की होनी है, लेकिन इसका संबंध दुनिया के 200 से ज्यादा देशों से है, जबकि सबकी नजर भारत पर होने वाली है। बड़ी बात यह है कि 12 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इटली की धरती पर कदम रखा है। इस मौके पर पहली बार इटली के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात होगी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि G20 सम्मेलन इस बार इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी पर केंद्रित होगा। इसके अलावा विदेश सचिव ने यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन पर भी G20 सम्मेलन में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 मंच का प्रभावी वैश्विक संवाद के लिए बेहतर उपयोग किया है। पूरी जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं। वह वहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में वह G20 के नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक होंगी और आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर बातचीत संभव है। बैठक के दौरान आतंकवाद को रोकने और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। ये मोदी के दौरे की शुरुआत इटली से होगी और फिर वह ब्रिटेन जाएंगे। वह 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी में रहेंगे। प्रधानमंत्री रोम में आयोजित होने वाली G20 समिट में हिस्सा लेंगे। ये मोदी की 8वीं बैठक होगी। वह इससे पहले 7 बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से G20 सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ था। इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर पीएम मोदी G20 सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि G20 सम्मेलन इस बार इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही विदेश सचिव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर भी G20 सम्मेलन में चर्चा हो सकती है। भारत ने G20 मंच का प्रभावी वैश्विक संवाद के लिए बेहतर उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से भारत बेहतर तरीके से निपट रहा है। कार्बन को कम करने में भारत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। वैश्विक आर्थिक सुधारों के लिए G20 मंच भारत के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा और पोषक तत्व पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। इटली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री 26वें कॉप सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो पहुंचेंगे, जहां वो ब्रिटेन के पीएम के अलावा अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पीएम बोरिस जॉनसन के न्योते पर यूके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वेटिकन में कॉप से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन ने कहा कि कॉप के साथ क्या चर्चा होगी इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।